तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेंस थ्योरी कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे से मैं इसको बोलूंगा TIR। पीयूष एक बात बता, सेम आ गया था ना? ठीक है बेटा, पीयूष एक बात बता, यहां पे धर्मेंद्र है, और इधर मान ले हेमा मालिनी है, अब धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी को फोन करते हैं मान लो, ठीक है, तो ये बता कि ये जो कॉल है वो कैसे जाती है। गुड इवनिंग TM, ये बता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी सुन रहा है आज तू बेटा? ये बता कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को कॉल की कहीं लॉन्ग डिस्टेंस, तो बताओ वो कॉल कैसे जाती है बेटा जी? यही बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सैटेलाइट नहीं वो एक्चुअल में जाती है ना बेटा, वो जाती है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स बेस्ड होते हैं वो एक्चुअल में TIR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, समझ में आ गया? एक्चुअल में वो सैटेलाइट फोन अलग ही होते हैं बेटा जो है, जैसे तूने देखा होगा ना CIA के पास कहले जो है, हाँ CIA के पास, रॉ के पास भी हो सकते हैं, अब मेरे को आइडिया नहीं है जो है, ठीक है, तो सैटेलाइट फोन अलग ही होते हैं और उसमें फिर वो कभी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, कि तुम पता लगा जंगल में चले गए या पहाड़ों में चले गए तो वो फिर कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉइंट समझ में आ गया कि ज़्यादातर उसमें जो कॉल ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है? ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड अगर तुम देखोगे ना तो वर्ल्ड वाइड ऑप्टिकल फाइबर्स पीछे में ध्यान रखना जो है, इवन समुद्र के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर्स है, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं TIR। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहली बात रे ऑफ लाइट, अगर डेंसर टू रेयरर जा रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसर टू रेयरर जा रही हो और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है एक क्रिटिकल एंगल से, अभी बताऊंगा एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तो फिर इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना, नो रिफ्रैक्शन, हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्शन होता है। और इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं TIR। अदरवाइज क्या होता है इन जनरल अगर आप देखोगे, अदरवाइज इन जनरल
कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे गिरी तो इसका कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, मतलब पार्ट तो हो जाएगा रिफ्रैक्ट। और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट। समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ जी। कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर पे जाती है और एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो फिर उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, 100% क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको हम बोलते हैं TIR। और अदरवाइज इन जनरल मैंने तुमसे कहा क्या क्या होगा कि किसी भी रे ऑफ लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और बाकी पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। अब जो साइन थीटा सी होता है वो म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर होता है। और अगर रेयरर मीडियम एयर हो तो फिर ये 1/μ हो जाएगा ना। इफ रेयरर मीडियम एयर हो, क्योंकि उस केस में जो म्यू रेयरर होगा उसको मैं 1 कह दूंगा और म्यू डेंसर को म्यू कह दूंगा। बताओ पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। साइन थीटा सी की वैल्यू म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर होगी या 1/μ होगी अगर रेयरर मीडियम एयर हो तो कह दो। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है थीटा सी की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर या साइन इनवर्स 1/μ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं जो मैंने अभी पढ़ा है। आप एक बार बताओ कि ये मान लो रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट ऐसे गिरी ये आई एंगल है हाँ, इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया कुछ पार्ट अवे हो गया है, ध्यान रखना ये हो गया। तो यहाँ पे जो आई है ये अभी लेस देन थीटा सी है, आई लेस देन थीटा सी में तो ये फिगर बनेगी। ठीक, अब सुनो कुछ भी कह देता हूँ, चलो इसको मैं कह देता हूँ आर वन। अच्छा ये वाला एंगल तो आई होगा, क्यों नहीं है, ये तो एंगल आई होगा ना। अब ये बताओ कि अगर आई बढ़ेगा फिर वन क्यों लगाना, फिर तो सीधे आर कह देता हूँ। ये बताओ कि अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा ना। टीएम जरा बता बेटा जो है, अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ जो है। अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा ना इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो बिल्कुल क्रिटिकल केस में क्या हो जाएगा, देखो क्रिटिकल केस में कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये आई इक्वल टू थीटा सी हो गया तो ये रे ऐसे हो जाएगी। बताओ क्लियर है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, क्यों ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और ये ऐसे तो हो गई होगा, कह लो जो है ये भी आई है, ये बिल्कुल क्रिटिकल वैल्यू आ गई है आई इक्वल टू थीटा सी कह लो। अब मान लो आई को और ज्यादा बढ़ाते हो, सपोज करो आई को मान लो और ज्यादा कर दिया तुमने,
तो फिर अब केवल तुम्हें लगनी ना कि केवल रिफ्लेक्शन होगा, बताओ जो है ओनली रिफ्लेक्शन। और इसी को हम लोग TIR कह देंगे, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कि अगर I लेस देन थीटा सी है तो दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। I इक्वल टू थीटा सी में बिल्कुल क्रिटिकल पे पहुंच गए हम लोग, और अगर I को ग्रेटर देन थीटा सी कर दोगे तो सिर्फ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, TIR होगा। अब एक चीज और देखो, ये बताओ ये वाली रे और ये वाली रे, इसमें हम स्नेल लॉ लगा सकते हैं ना, क्यों? इन दोनों में हम लोग स्नेल लॉ लगा सकते हैं, लेकिन स्नेल का ओरिजिनल लॉ, हाँ ध्यान रखना, μ1 sin I1 = μ2 sin I2। तो इसमें देखो क्या बना, म्यू रेयरर sin 90 डिग्री इक्वल टू म्यू डेंसर साइन क्रिटिकल एंगल। जरा चेक करना इक्वेशन सही है या नहीं है, बताओ बेटा। म्यू रेयरर sin 90 डिग्री इक्वल टू म्यू डेंसर साइन क्रिटिकल एंगल, क्यों ये आ गया? तो यहां से जरा चेक कर लो sin θc कितना आ गया, यहां से आ गया sin θc इक्वल टू म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, ये हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट कैसे हुआ। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, इसका मतलब ये क्लियर है ना, इस वाली फिगर से तुम्हें लग रहा होगा कि एट क्रिटिकल एंगल एंगल इन रेयरर मीडियम ये 90 डिग्री बन रहा होगा, क्यों? समझ में आ रहा है, बताओ जो है। इसका मतलब जब डेंसर मीडियम में, मैं ये कह रहा हूं जिस समय डेंसर मीडियम में थीटा सी बन रहा होगा उस समय रेयरर मीडियम में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। तन्मय समझ में आई बात बेटा क्या कह रहा हूँ मैं, ये भी ध्यान रखना, जब डेंसर मीडियम में थीटा सी एंगल बन रहा होगा तो उसमें रेयर मीडियम में क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट, अब ये बताओ मैं रेयर मीडियम जब एयर है उस समय की बात कर रहा हूं, रेयर मीडियम जब एयर है उस समय की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें साइन थीटा सी 1/μ था, राइट। अब ये बताओ कि अगर म्यू को बढ़ाओगे तो थीटा सी डिक्रीज होगा, क्यों? नहीं, अगर म्यू को बढ़ाओगे तो थीटा सी क्रिटिकल एंगल क्या होगा, छोटा होगा। और एक बात बताओ कि अगर क्रिटिकल एंगल छोटा होगा तो फिर चांसेज ऑफ TIR इन ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम वो बढ़ेंगे या कम होंगे, पहले ही बताओ। अगर थीटा सी छोटा होता जाएगा तो TIR के चांसेस जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही है वो बढ़ेगी या कम होगी, पहले ही बताओ बेटा। जब थीटा सी कम हो रहा है तो डेंसर से रेयरर में जाने में, हाँ नहीं बढ़ेंगे, उल्टा होगा, तब उल्टा होगा बेटा, ध्यान रखना। देन चांसेज ऑफ TIR, चांसेज ऑफ TIR इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम,
will increase. रीजन देता हूं क्यों. देखो अगर मान लो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है तो इसका मतलब जब तुम 60 डिग्री को क्रॉस करोगे तब TIR स्टार्ट होगा. और मान लो अब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री रह जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री को क्रॉस करते ही TIR स्टार्ट हो जाएगा. तो बताओ किस में चांसेस ज्यादा हुए. TM बता बेटा जो है, जब क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री था तो जब आप 60 को क्रॉस कर रहे थे तब TIR स्टार्ट हो रहा है, और जब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को क्रॉस करते ही TIR स्टार्ट हो जा रहा है. तो किस में चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, TIR के चांसेस किस में ज्यादा हो रहे हैं बताओ. TIR के चांसेस किस में ज्यादा हो रहे हैं बताओ, 60 में या 30 में, जब क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है या 30 डिग्री है बताओ. 30 है ना, ऑब्वियस ही बात है, 30 को क्रॉस करते ही TIR स्टार्ट हो जाएगा. और वहां पहले तुम्हें 60 को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं है, 60 को क्रॉस करने के बाद TIR स्टार्ट होगा. तो ऑब्वियस ही बात है क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होगा TIR के चांसेस उतने क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. थ्योरी केवल इतनी है, बस केवल इतनी थ्योरी और कुछ नहीं है. एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो. अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो फिर उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, केवल 100% रिफ्लेक्शन होता है. इस फिनोमिनन को हम लोग TIR बोलते हैं. अदरवाइज मैंने तुमसे कहा कि कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होगा. अगला पॉइंट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि साइन क्रिटिकल एंगल म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर के इक्वल होगा, या अगर रेयरर मीडियम एयर हो तो फिर 1/μ होगा. और जिसमें क्रिटिकल एंगल रहा होगा उसमें रेयरर मीडियम में थीटा सी बन रहा होगा और डेंसर मीडियम में, सॉरी, रेयरर मीडियम में 90 डिग्री बन रहा होगा और डेंसर मीडियम में थीटा सी बन रहा होगा. और एक चीज मैंने और बताई कि थीटा सी जितना कम होता जाएगा, मतलब म्यू जितना बढ़ाते जाओगे तो थीटा सी उतना कम होता जाएगा, और थीटा सी जितना कम होगा TIR के चांसेस उतने क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. ये बताओ थ्योरी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, थ्योरी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पीयूष, बताओ बेटा थ्योरी में तो नहीं है ना कोई कंफ्यूजन. अब चलते हैं, दो पार्ट्स में कर लेते हैं, एक हो गए थ्योरेटिकल एग्जांपल्स और एक हो गए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल भी बनते हैं ना. थ्योरेटिकल एग्जांपल्स, सबसे पहले एंडोस्कोपी जो होती है ना, डॉक्टर्स नहीं करते, तुमने देखा होगा पेट के बेटा जो है अलग अलग पार्ट्स देखते हैं, क्यों नहीं है, पेट के अलग अलग पार्ट्स देखते हैं. तो एंडोस्कोपी में एक्चुअल में TIR कंसेप्ट यूज होता है. अब क्यों होता है सुनो, मान लो डॉक्टर की आंख यहां थी और उसको यहां पे कहीं पे देखना होता, मान लो इधर कहीं, मान लो तुम्हारा इंटेस्टाइन है कुछ, हाँ, इसको देखना होता और ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ता मान लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो सीधे देख सकता था ना, बिकॉज लाइट सीधे चलती है, सीधे देख सकता था कि नहीं देख सकता था, ये बता. TM बता बेटा जो है कि अगर इंटेस्टाइन तुम्हारे बिल्कुल सामने होती आंख के, नहीं है, बिल्कुल सामने होती, तो बता जो है वो डायरेक्टली देख सकता था कि नहीं देख सकता था, बता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन होता क्या है कि पता लगा आंख यहाँ है और तुम्हें पेट में, तुमने देखा ही होगा इस टाइप से होता है, क्यों, इस टाइप से यहाँ कहीं देखना है बेटा जो है. अब वो कैसे देखेगा बेटा जो है,
यहाँ पे कोई पार्ट है उसको देखना है। अब प्रॉब्लम है कि नहीं होता जो है, क्योंकि लाइट जो है वो तो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना फ्यूज, समझ में आया बेटा जो है। तो बस हो गया, उसमें एंडोस्कोपी ऐसे की जाती है कि जैसे ना, हाँ ये है मान लें, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, यहाँ पे रेयर मीडियम रख दिया जाता है और यहाँ पे डेंसर, ऐसे कुछ मान लें ठीक है, यहाँ पे रेयर यहाँ से डेंसर, तो लाइट ऐसे गई फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर लाइट रिफ्लेक्ट ये हुई फिर रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ऐसे गई ये हो गई और ऐसे हो गई, और यहाँ पे देख लिया उसने बस ये पार्ट है और यहाँ पे पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, टीएम एंडोस्कोपी का समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा जो है, कि उसको टीआईआर करते हुए आगे ले जाते हैं बस लाइट को जो है, ये कह रहे। अच्छा उसमें वैसे दो वो होते हैं ध्यान रखना, एक में तो लाइट जाएगी, ये तो लाइट जा रही है ठीक है, और एक यहाँ पे फिर कैमरा भी लगा होता है ना थोड़ा, और तो देखना तो यहाँ पे एक कैमरा लगा होता है, फिर वहां से एक तरीके से फोटोग्राफ फिर वापस भी आती है, ध्यान रखना भाई देखना भी तो है उसको जो है, तो अब वो उसी टाइप से वापस आएगी फिर ये खेले। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अगर उसको बिल्कुल जो है नहीं है, अगर उसको बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन में चलना होता, क्यों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो है, लेकिन उसको टेढ़ा मेढ़ा चलना है जो है तो टीआईआर यूज करोगे। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल, मिराज जो होता है ये भी तो टीआईआर पे बेस्ड होता है, समर्स में नहीं दिखता तुम्हें जो है, इसमें क्या है देखो ये ग्राउंड है, तो एक्चुअल में होता क्या है ना देखो ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, ये ग्राउंड है हाँ, ये होता है जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ग्राउंड से ऊपर, तो गर्मियों में क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सुना होगा ना अर्थ जल्दी गर्म हो जाती है बेटा जो है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ठीक है। तो एक्चुअल में तो उस केस में ना जो डेंसिटी ऑफ एयर होगी, मतलब जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करती है टीएम, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, मतलब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, हाँ ध्यान रखना, ये हम वैसे फ्लूड मैकेनिक्स में या कहीं पे पढ़ाता हूं मैं ये वाली चीज, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में डेंसिटी क्या होती है कम होती है जो है, हीट में पढ़ाता हूँ इसको, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में डेंसिटी क्या होती है कम होती है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऊपर को क्या हो रही है एयर की बढ़ रही है। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि डेंसिटी अगर बढ़ रही हो तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा होता है, मतलब म्यू भी बढ़ेगा जो है, इसका मतलब जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा हूं, और जब मैं ऐसे आ रहा हूं तो डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहा हूं, बताओ क्लियर है नहीं है ये पॉइंट, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, जब ऊपर से जब नीचे आ रहा हूं तो डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहा हूं, तो इसका मतलब इस वाले प्रोसेस में टीआईआर के चांस बनेंगे,
समझ गए ना, इस प्रोसेस में TIR के चांस बनेंगे। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई यहां पे ट्री है, और यहां कहीं तुम खड़े हो, ये तुम हो। अब लाइट क्या हो रही है ना, जैसे जैसे ये आ रही है, देखो ऐसे आई, थोड़ा थोड़ा बेंड होती जा रही है, और एक जगह TIR शुरू हो जाएगा। यहां पे पता लगा TIR शुरू हो गया, तो बस अब यहां से ऐसे बेंड हो जाएगी ना, ये हो गया, कह लो जो है यहां पे आई, यहां पे मान लो, चलो तुम ऐसे मान लो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा इसकी रिफ्लेक्शन यहां पे ऐसे लगेगा, ये कह लो, ये लगेगा तुम्हें। और क्लियर फिगर बना देता हूं थोड़ा, तब ज्यादा बेटर कर गया। सुन, ये लेयर्स हैं डिफरेंट, ये तो ग्राउंड हो गया, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। ऑर्डर कुछ ऐसे मान लो, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू ग्रेटर देन म्यू थ्री ग्रेटर देन म्यू फोर, ये हो गया। अब मान लो यहां कहीं ट्री है, लाइट ऐसे आई, थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, दिख रहा है तुम्हें, ये समझ में आ रहा है बेटा? ये जैसे आई वन है, ये आई टू है, तो आई टू आई वन से बड़ा होगा, बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जो है फ्यूज डेंसर से रेयर पे जा रही है बेटा जो है, तो आई टू ये हो गया, और थोड़ा वो किया तो ये और वो आ गई, आप समझ में आ रहा है? बताओ क्या है, ये I2 है तो फिर ये भी I2 है, ऐसे कह लो, फिर ये I3 है तो ये भी I3 है। अब I3 I2 से भी बड़ा हो गया, मतलब I बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखना। और मान लो यहां पे I3 अब ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, मान लो, समझ गए ना, अब ये ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, तो अब इसका सिर्फ क्या हुआ बताओ जो है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ, इसका TIR हो गया। तो अब ये बताओ कि इसकी इमेज तुम्हें यहां पे ऐसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बताओ। TM कुछ समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, बताओ, मतलब यहां कहीं आई हो गई तुम्हारी, ऐसे मान लो ये तुम हो गए। अब बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताओ। दोबारा सुन लो, ग्राउंड से जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ती जा रही है। और नॉर्मली क्या होता है कि डेंसिटी अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ऊपर को जाने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा डेंसर होता जा रहा है, और ज्यादा डेंसर होता जा रहा है। तो अगर रे ऑफ लाइट ऊपर से नीचे आएगी तो इसका मतलब वो डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, क्यों, डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल होती जा रही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो थीटा सी को क्रॉस कर देगा, तो फिर TIR स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी इमेज तुम्हें यहां पे ऐसी लगेगी, बस हो गया, जैसे तुम्हें ऐसा लगे जैसे मिरर टाइप का लगे ना, ऐसे मान लो कि मिरर टाइप का कहीं पर है, तो ये इमेज होगी, बताओ। पीयूष तन्मय, बता बेटा कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है तो बता बेटा जो है, नहीं तो दोबारा समझा सकता हूँ, कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं है। TM तू बता बेटा जो है, तू बता कोई डाउट है, क्लियर है ना? फाइनली एक बार दोबारा सुन लो, ग्राउंड से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर के कम होने के साथ डेंसिटी बढ़ती जाती है,
डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ी है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है, ऊपर को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे अगर लाइट आ रही है तो डेंसर टू, गुड इवनिंग हर्षवर्धन, ऊपर से जब नीचे आ रही है तो इसका मतलब रिफ्रेक्टिव डेंसर टू रेयरर आ रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जा रही है, नहीं है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो क्रिटिकल एंगल को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, तो वहां से फिर टी आई आर स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एक मिरर टाइप की कोई चीज रखी हुई है। तो इस टाइप के कुछ तुम्हें एग्जाम्पल्स मिलते हैं टी आई आर में। मैं तुम्हें होम असाइनमेंट देता हूँ, कर लिया करना उसको, इंटरनेट से देख लेना बस, ओके, रीड 3 to 4 थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है, थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बेस्ड ऑन TIR। बल्कि रादर इसकी भी थोड़ा और बेटर फिगर देख लेना, जो मैंने हाथ से बनाई है इसकी भी बेटर फिगर देख लेना। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये एयर है और ये वाटर है, और यहां पे ना एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। अब देखो लाइट ऐसे गई, ये तो सीधे निकल गई, अब ये ऐसे आई तो बाहर आ गई, और थोड़ा एंगल बड़ा हो गया, एक कहीं पे ये थीटा सी पे भी पहुंच जाएगा, क्यों ये हो गया, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आ गया, ध्यान रखना। अब जरा देखो और एंगल बड़ा हो रहा है, देखो ये वाला जो एंगल है आई ग्रेटर देन थीटा सी हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ टी आई आर हुआ, बताओ क्लियर है कि नहीं है, फिगर पहले बताओ क्लियर है या नहीं। टीएम जरा बता फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे जैसे तुम इधर को जा रहे हो, जैसे जैसे तुम इधर को जा रहे हो तो एंगल आई वो बढ़ता जा रहा है, क्यों एंगल आई वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब एक एंगल पे क्रिटिकल एंगल पे भी पहुंच जाएगा, ये कह दूंगा। अब सुनो गुड इवनिंग हर्षवर्धन, तुमने दो बार नहीं कह दिया हर्ष, अच्छा डिलीट भी कर दिया तुमने। अब ये ए है ये बी है, अब मेरे को ये बताओ कि इसका मतलब लाइट केवल ए बी से बाहर आएगी, बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, इसका मतलब लाइट विल रिफ्रैक्ट, Only from A B, बताओ इसमें क्लियर है या नहीं है, रिफ्रैक्ट इन एयर और कह देता हूं, TM और PU's बताओ ये समझ में आई बात नहीं आई, कि लाइट केवल ए बी के बीच में से रिफ्रैक्ट होगी बाहर एयर में, क्यों आगे ना। अब सुनो अगर मैं पूरी वाटर की सरफेस पे देखूं तो फिर ये एक सर्किल फॉर्म होगा ना,
मतलब अगर मैं पूरा होल वाटर सरफेस देखूं, तो फिर ये एक सर्किल फॉर्म होगा, ऐसे समझो ना। देखो ये हुआ जैसे, अभी मेरा ये था ना, ये सोर्स था और मैंने ये ले लिया था, ये ए था ये बी था। अब ये बताओ, ये पूरा एक सर्किल फॉर्म होगा कि नहीं होगा बताओ, पूरे सरफेस में ये फील आया कि नहीं आया बताओ। ये वाटर की सरफेस है बताओ, अगर मैं पूरे उस पे सरफेस पे देखूंगा तो ये एक सर्किल फॉर्म होगा कि नहीं होगा बताओ। जो है टीएम, जरा बता बेटा, ये पूरे सरफेस पे फॉर्म होगा कि नहीं, सरफेस पे वो होगा ना, सर्किल फॉर्म होगा क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो रिफ्रैक्ट होगी, लाइट विल रिफ्रैक्ट, फ्रॉम दिस सर्किल, दिस सर्किल, और इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो एबी के इक्वल होगी। क्यों नहीं है? उस सर्किल की रेडियस एबी के इक्वल होगी। तो क्वेश्चन यही फॉर्म होता है कि तुम ये रेडियस फाइंड करो कितनी है, रेडियस एबी कितनी है ये तुम्हें फाइंड करना। तो देखो सिंपल है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देख लूं, तो फिर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी थीटा सी हो जाएगा ना। और अगर मान लो ये एच है, तो जरा देखना, ए बी अपॉन एच वो टेन थीटा सी लग रहा होगा तुम्हें। तो यहां से जो ए बी आ गया वो एच टेन थीटा सी आ गया, क्यों? और साइन थीटा सी मैंने वन अपॉन म्यू बोला था तुमसे, क्यों? नहीं है, साइन थीटा सी वन अपॉन म्यू बोला था। इसका मतलब टेन थीटा सी हो गया एच इंटू वन अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। पीयूष भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात बता? कि अगर पानी की सरफेस के अंदर एक सोर्स है, तो पानी की सरफेस से केवल इतने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बस हो गया। एयर में केवल इतने पोर्शन से आएगी, बस हो गया। तो इसका मतलब एक बात बताओ कि अगर मैं इस सर्किल को किसी ब्लैक पेपर से कवर कर दूं तो लाइट एक तरीके से बाहर नहीं आएगी, क्यों? कंप्लीट ब्रेक से कर दूं, ये बताओ। इफ दिस सर्किल इज कवर्ड बाय ए डार्क ब्लैक पेपर, तो एक तरीके से जो लाइट बाहर रिफ्रैक्ट हो रही थी उसको तुमने रोक दिया ना। नहीं है, जो लाइट बाहर रिफ्रैक्ट हो रही थी उसको तुमने रोक दिया, तो इसका मतलब नो लाइट
विल कम आउट तो इसका मतलब एयर से तुम सोर्स को देख ही नहीं सकते जो है, समझ गए ना, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फ्रॉम एयर यू कैन नॉट सी द सोर्स। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ, कि अगर उसको तुम एक डार्क ब्लैक कवर पेपर से कवर कर दो जो है, क्यों, तो फिर लाइट इसका मतलब एयर में रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, तो तुम सोर्स को देख ही नहीं सकते। तन्मय बता जो है, कोई डाउट है इसमें, बता, कोई डाउट तो नहीं है तन्मय, नहीं है ना। तो अब तेरे को एक आइडिया बताता हूँ बेटा जो है, तू भी क्या याद रखेगा, अगर तेरे को ना कोई दो नंबर का काम करना है मान ले, ठीक है, और तेरे को पुलिस से बचना है जो है, तो तू यहाँ पे काम कर, यहाँ पे एनडी आ गया, और तू क्या कर, ये वाले को ना एक ब्लैक पेपर से कवर कर दे बेटा जो है, एक तू पानी के अंदर आ जा, एनडी नहीं सॉरी टीएम, तो तू पानी के अंदर आ जा और इसको तू ब्लैक पेपर से कवर कर दे बेटा जो है, अब पुलिस तो होगी बाहर, अब वो देख नहीं पाएगी तेरे को जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता बेटा जो है, तो आइडिया कैसे लगा तेरे को ये बता जो है, तेरे को अगर कोई दो नंबर का काम करना है टीएम, तो तू पानी के अंदर चले जा और ऊपर से जहां से लाइट बाहर आ रही है उसको तू ब्लैक कवर से कवर कर दे, पुलिस तेरे को कभी, पुलिस तेरे पे पहुंच ही नहीं पाएगी बेटा जो है। अब वो एक अलग बात है कि पुलिस ने मान लो जो है, हो सकता है ऐसे भी हो ना, ये पुलिस हो सकता है कि मेरी स्टूडेंट रही हो, है ना, ऐसा भी पॉसिबल है कभी कभी, स्टूडेंट ऑफ डीसीपी रही हो, तो फिर उसको भनक लग जाएगी कि ये जो है ये आइडिया तो सर दिया करते थे क्लास में, है ना, ऊपर ये ब्लैक पेपर क्यों है जो है, तो फिर पकड़ा जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि तू जो है कभी नहीं पकड़ा जाएगा, अगर वो मेरी स्टूडेंट होगी तो फिर जो है बेटा पकड़ा जाएगा तू, ये तो सर क्लास में आइडिया दिया करते थे, तो ये है पीयूष, क्लियर, ठीक। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, एक वो जोक था ना, वो एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर अर्थ जो है फ्लैट है या राउंड है, मतलब जो है ना, मैंने कहा राउंड है जो है ना, तो कहता है फिर हम ऐसे क्यों सोते हैं जो है, इस टाइप से क्यों सोते हैं, ऐसे क्यों नहीं सोते अगर राउंड है तो जो है, समझ में आ रहा है, ऐसे क्यों नहीं सोते हम, अगर राउंड है तो ऐसे क्यों नहीं सोते जो है, तो फिर मैंने क्या रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई ऐसा है देख, अर्थ जो है राउंड है, कोई वो बेड थोड़ी है जो है, नहीं है बता जो है पीयूष। हाँ तो अब चलते हैं अगली बात सुन जो है, वो पहले का वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैसे एक बार क्या हुआ ना, एक बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा कि सर व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा जेवियर, ये सुना तो नहीं तुमने, जेवियर विदाउट के, तो कहते सर इसमें तो के है नहीं जो है कहीं पे, तो मैंने कहा यही तो कह रहा हूँ मैं कि विदाउट के, और क्या कह रहा हूँ मैं, ये बता जो है पीयूष, बात समझ में आई तेरे, तो सुनो अब नेक्स्ट एग्जांपल, इन द प्रीवियस एग्जांपल तुमने देखा था, इन प्रीवियस एग्जांपल previous example, source से जितनी भी light निकली,
उसका केवल कुछ पार्ट एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? नहीं, पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा बताओ, कि सोर्स से जितनी भी लाइट निकली केवल उसका कुछ पार्ट एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा है, और वो पार्ट कहां से हो रहा है बाय द वे? फ्रॉम ए बी। क्यों? फ्रॉम ए बी, या कह लो फ्रॉम दैट सर्किल। क्यों? फ्रॉम दैट सर्किल। पहले समझ में आ गया ना, पिछला वाला पार्ट में क्या था कि सोर्स से जितनी भी लाइट निकल रही थी उसका कुछ पार्ट एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा था और वो उस सर्किल से रिफ्रैक्ट हो रहा था। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट तुम्हें निकालना कितना होगा, फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ पार्ट निकालना जो एयर में रिफ्रैक्ट होगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड दैट फ्रैक्शन और परसेंटेज, दैट फ्रैक्शन और परसेंटेज विच रिफ्रैक्ट्स इन एयर। अच्छा, फिर उसमें फर्दर ना तुम्हें ये प्रूव भी करना है कि वो फ्रैक्शन जो है वो एस से इंडिपेंडेंट है, एंड प्रूव दैट दैट फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। क्वेश्चन एक बार दोबारा कर दे रहा हूं कि अगर पानी में कोई सोर्स है तो उससे जितनी भी लाइट निकल रही है उसका कुछ पार्ट एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा है और वो उस सर्किल से हो रहा है, तो इस पार्ट में हमें निकालना है कि कितना फ्रैक्शन या परसेंटेज एयर में रिफ्रैक्ट होगा, और ये प्रूव करना है कि वो फ्रैक्शन या परसेंटेज एस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें एक मैं पुराना रिजल्ट यूज करूंगा जो कभी मैंने फ्लक्स में यूज किया था, तो वो देखो क्या है। ये मान लो सोर्स ऑफ लाइट था, एक बात बताओ इससे जो लाइट निकलेगी वो 100% लाइट इस स्फीयर में जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? बताओ, सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी वो 100% लाइट इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी जो मैंने स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट किया? मतलब वो स्फीयर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा, जो ऐसा मत सोचना कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर कह लो, पूरी 100% ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। टीएम समझ में आ रहा है? बताओ, जो भी मैं स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर जाएगी ना अल्टीमेटली पूरी लाइट जो है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल थीटा सी ले लिया था, एक तरीके से ये थीटा सी हो गया, अब मुझे ये बताओ कि ये वही सर्किल बना ना जिस सर्किल की मैं बात कर रहा था, ये वो सर्किल है कि नहीं है? दैट सर्किल। क्यों? क्लियर है? अब क्या है, सुनो, अगर तुम कुछ टाइम के लिए मान लो कि ये लिक्विड सरफेस नहीं आती, ये लिक्विड सरफेस है, अगर तुम कुछ टाइम के लिए मान लो कि ये लिक्विड सरफेस नहीं आती, तो इसका मतलब जो लाइट यहां गिरती ये वाले पे गिरती,
वही इस सर्किल में गिरती, और लिक्विड सरफेस के आने से वो लाइट बाहर रिफ्रैक्ट नहीं होगी। बताओ क्लियर है या नहीं है, मतलब वही लाइट बाहर रिफ्रैक्ट होगी। पहले ही बताओ, जो लाइट इस पे गिरी होती वही लाइट इस पे गिरी होती, क्यों वही लाइट इस पे गिरी होती। इसको मैं S1 कह देता हूं और इसको मैं कह देता हूं S2। इसका मतलब लाइट जो S1 में गिरी होती वही लाइट S2 में गिरेगी, और केवल वही रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट्स इन एयर। टीएम समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताइए ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और तुम्हें याद होगा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिजल्ट दिया था, S1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos θc होगी। S1 की ये वैल्यू होगी। उसके बाद सिंपल है, अब ये बताओ कि 4 पाई आर स्क्वायर से 100% लाइट गिरी नहीं है, इस पे 100% लाइट गिरी, तो इसका मतलब S1 एरिया पे कितनी लाइट गिरी बताओ। जो है S1 एरिया पे हुई 100 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos θc। इतनी लाइट S1 पे गिरी और वही S2 पे गिरती और वही रिफ्रैक्ट होगी। मतलब ये हो गया फाइनली मेरे ख्याल से 50 1 माइनस cos θc, इतना परसेंटेज ऑफ लाइट है बस, इतना परसेंटेज ऑफ लाइट विल रिफ्रैक्ट इन एयर। समझ में बात आई या नहीं आई बेटा बताओ, टीएम बता समझ में आई कि नहीं आई बता। जो है ये हो गया। अच्छा एक चीज और देख लो कि ये वाला जो परसेंटेज है वो एच से इंडिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। जो एच कहाँ आ रहा है इसमें, इसमें केवल थीटा सी आ रहा है, क्यों ये एच से इंडिपेंडेंट आ रहा है, केवल थीटा सी आ रहा है, और थीटा सी तुम जानते केवल म्यू डिपेंडेंट होता है, बस हो गया। सो दिस परसेंटेज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। ये केवल फंक्शन थीटा सी का है, और थीटा सी किसका फंक्शन होता है, म्यू का फंक्शन होता है, ये कह लो बस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर पानी के अंदर कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे जितनी भी लाइट निकलेगी उसका कुछ पार्ट जो वो उस सर्किल पर गिर रहा होगा केवल वही एयर में क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, और वो जो पार्ट है या वो फ्रैक्शन या परसेंटेज वो एस से इंडिपेंडेंट होगा और वो केवल म्यू पर डिपेंड करेगा या थीटा सी पर डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा TIR भी हो गया कंप्लीट विद थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ये कर सकते अब चलते हैं प्रिज्म। सबसे पहली बात प्रिज्म की ये फिगर याद रखना,
ए बी सी, लाइट मान लो यहां पे गिरी, ये आई वन है, थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये आर वन कह लो, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको आर टू कह लो, और ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ये आई टू कह लो। फिगर दिमाग में बैठ गई, देख लो जरा, फिगर जरा देखना दिमाग में बैठी या नहीं बैठी बेटा, बताओ जरा, फिगर बैठ गई ना दिमाग में, पीयूष हो गया ना। अब दूसरी बात, यहां पे जो एंगल ए है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एक तो ये हो गया। तीसरी बात, R1 प्लस R2 वो A के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, और ये जस्ट ना ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है बेटा। तो ये ना जस्ट ज्योमेट्री और कुछ नहीं है। कैसे देखो, हाँ एक बात बताओ कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस आर वन होगा ना, ये नॉर्मल है ना, क्योंकि क्यों और इसी टाइप से ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस आर टू होगा, क्यों ये हो गया। और जरा तीनों को सम करके देखो बेटा, जो है ए प्लस 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू इक्वल टू 180 हो गया। तो यहां से देख लो R1 प्लस R2 कितना हो गया, एक इक्वल हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्रिकल पॉइंट है और कुछ नहीं इसमें। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, डेविएशन बाय प्रिज्म, डेविएशन बाय प्रिज्म। सबसे पहली बात, डेविएशन को मैं डेल्टा से दिखाऊंगा। दूसरा, एक बात बताओ कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ से, एक तो ये M पॉइंट पे डेविएट हो रही है और फिर आगे जाके N पॉइंट पे डेविएट हो रही है, बताओ क्लियर है कि नहीं है। फिगर देख लो जरा, रे ऑफ लाइट अपने पास से M पॉइंट पे और N पॉइंट पे डेविएट हो रही है और क्लॉकवाइज डेविएट हो रही है। आप देखो क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ जरा, क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है ना। तो डेविएशन जो आ रहा है वो आ रहा है एट M एंड एन,
और दोनों क्लॉकवाइज आ रहा है, बोथ क्लॉकवाइज। इसका मतलब डेविएशन जो आ गया वो डेल्टा एम प्लस डेल्टा एन आ गया। मेरे ख्याल से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब मैं यहीं पे फिगर बनाता हूं। देखो पहले लाइट ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल था, और अब ऐसे आ गई। हाँ, ध्यान से देखना बेटा। तो पहले ये आई वन एंगल बना रही थी नॉर्मल से, और अब ये आर वन एंगल बना रही है। तो इसका मतलब अपने पास से ये आई वन माइनस आर वन डेविएट हुई या नहीं हुई, बताओ बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया। पहले ये नॉर्मल से आई वन एंगल फॉर्म कर रही थी, और अब ये नॉर्मल से आर वन एंगल फॉर्म कर रही है, क्योंकि ये भी तो आई वन है ना। देख, देख पीयूष, ये बता ये वाला एंगल भी आई वन है कि नहीं, बता ये वाला एंगल भी आई वन है। सॉरी, नॉर्मल तक होगा ना, नॉर्मल तक, सॉरी। ये देख, ये वाला एंगल आई वन हो गया, और डेविएशन ये हुआ ना सिर्फ, फिर क्यों, ये हुआ डेविएशन एट एम। पीएम फिगर समझ में आई कि नहीं आई, बता। जो है पहले वो नॉर्मल से आई वन एंगल फॉर्म कर रही थी, और बाद में वो नॉर्मल से आर वन एंगल फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब अपने पास से कितना डेविएट हो गया, बताओ, आई वन माइनस आर वन। इसी टाइप से तुम देखना, यहां पर जो डेविएट होगी वो फिर आई टू माइनस आर टू होगी। नहीं, अगर तुम देखोगे तो यहां पे कितना डेविएट होगी, I2 माइनस R2, लेकिन R1 प्लस R2 मिलके कितने के इक्वल थे, A के इक्वल। क्यों, R1 प्लस R2 मिलके कितने के इक्वल थे, बताओ, A के इक्वल थे। तो इसका मतलब डेविएशन का फॉर्मूला मैं ये लिख दूं, I1 प्लस I2 माइनस A, बताओ कोई डाउट। पॉइंट समझ में आ रहा है, एम और एन दोनों जगह पर रे ऑफ लाइट क्लॉकवाइज डेविएट हो रही है। इसका मतलब टोटल डेविएशन क्या होगा, ऐड होगा बेटा। एम पे हो गई आई वन माइनस आर वन, और एन पे हो गई आई टू माइनस आर टू, और उसमें से आर वन प्लस आर टू को मैंने क्या लिख लिया, ए के इक्वल लिख लिया। तो ये आ गया। अब चलते हैं तीसरी बात। अगर a और i1 छोटे हों, ठीक है, सपोज करो a और i1 छोटे हों, तो क्या क्या होगा। हाँ, ध्यान से देखना, r1 भी छोटा होगा, बताओ क्लियर है। ये बताओ जरा, अरे बिकॉज आई वन छोटा है, समझ में आया टीएम, अगर आई वन छोटा है तो आर वन भी छोटा होगा। अच्छा, R1 छोटा है तो R2 भी छोटा होगा, इसका रीजन क्या दोगे, बिकॉज R2 की जो वैल्यू रही होगी वो A माइनस R1 रही होगी, और इसमें से ये दोनों छोटे हैं, और अगर R2 छोटा है तो फिर I2 भी छोटा होगा। ये पहले बताओ, सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई। अगर ए और आई वन छोटे हैं तो बाकी सारे एंगल छोटे हो जाएंगे बेटा, नहीं है, बाकी सारे के सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, आर वन आर टू आई टू सब छोटे हो जाएंगे।
अब आप ये बताओ कि म्यू को मैं साइन आई वन अपॉन साइन आर वन लिख सकता था, या दूसरे एंड पे मैं साइन आई टू अपॉन साइन आर टू लिख सकता था। ये था ना, क्योंकि यहां पे देखो ये है बेटा, ये आई वन है, ये आर वन है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन एंगल छोटे हैं तो इसका मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई वन अपॉन आर वन और आई टू अपॉन आर टू, क्योंकि एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से जरा देखना आई वन की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो तो आ रही है म्यू आर वन, और आई टू की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है म्यू आर टू। इसका मतलब मैं आई वन प्लस आई टू को अगर ऐड कर दूं तो फिर वो म्यू टाइम्स ए हो जा रहा है, क्योंकि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए के इक्वल है। टीएम बताइए, कैलकुलेशन क्लियर हुई कि अगर ए और आई वन छोटे हों तो बाकी सारे एंगल अपने आप छोटे हो जाएंगे, बस ये दो चीजें छोटी होनी चाहिए तो बाकी सारे के सारे एंगल छोटे हो जाएंगे। और अगर बाकी सारे एंगल छोटे हो गए तो फिर हम I1 प्लस I2 को म्यू टाइम्स ए लिख सकते हैं, ये कह लो। अब ये बताओ कि अगर मैं I1 प्लस I2 को म्यू टाइम्स ए लिख दूं तो फिर ये कितना हो जाएगा, डेल्टा कितना हो जाएगा, जरा बताओ। जो उसको मैंने म्यू टाइम्स ए लिख दिया तो इसका मतलब अब जो डेल्टा हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए हो गया, बस हो गया, ये कह लो। या लेकिन ये कब लगेगा, व्हेन ए एंड आई वन ये छोटे हैं, या मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या है, फिर भी एक बार कंक्लूजन देख लो। कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, कि डेविएशन होता है, डेविएशन एट m प्लस डेविएशन एट n, और ये होता है i1 प्लस i2 माइनस ए, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है म्यू माइनस वन इंटू ए में। लेकिन कब, इफ ए एंड आई वन आर स्मॉल, ये कह लो। समझ में आ गया पीयूष, बता बेटा। हर्ष, पॉइंट क्लियर हुआ कि डेविएशन के कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, ये हो गए। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अगर हम डेविएशन वर्सेस आई एंगल ड्रॉ करें, हाँ, किसी भी प्रिज्म के लिए, तो हमेशा ना ऐसा ग्राफ मिलता है बेटा, ध्यान रखना, इस टाइप का ग्राफ मिलता है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कह लो। मतलब जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे तो डेविएशन पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा, इसका मतलब एक जगह पर डेविएशन मिनिमम भी आएगा। अब बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि मिनिमम डेविएशन पे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम डेविएशन पे एक तो I1 और I2 इक्वल होते हैं,
और R1 और R2 भी इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर हम डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ ड्रॉ करें तो इस टाइप का ग्राफ होता है, और एक जगह पे तुम्हें डेविएशन मिनिमम भी मिलता है, और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मिनिमम डेविएशन पे तुम्हारा I1 और I2 इक्वल होते हैं और R1 और R2 भी इक्वल होते हैं। अच्छा, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, ये ध्यान रखना बेटा। जो जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ है, डी डेल्टा अपॉन डी आई को जीरो रख के। टीएम समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? ये वाला जो फैक्ट है ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, जो है समझे ना, मैथमेटिकली प्रूव्ड है। और कैसे? डी डेल्टा अपॉन डी आई को जीरो पुट करके वहां से निकलता है। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट। एक फॉर्मूला तुम्हारे यहां पे ये चलता है, यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, देखो कैसे। ये बताओ कि हमारे पास डेविएशन का ये फॉर्मूला था, I1 प्लस I2 माइनस ए, और एक फॉर्मूला था ए इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ, चेक करते हुए चलना बेटा। अब ये बताओ कि मैंने तुम्हें कहा कि एट मिनिमम डेविएशन R1 और R2 इक्वल होंगे, तो जरा बताओ वो ए बाई टू ईच होंगे या नहीं होंगे? इस वाले रिलेशन से टीएम बता। मिनिमम डेविएशन में मैंने तुमसे कहा कि R1 और R2 इक्वल होंगे, तो वो ए बाई टू हो जाएंगे ना फिर। ये हो गया। अब ये वाला रिलेशन यूज करता हूं, डेल्टा को मैं लिख देता हूं डेल्टा एम, और I1 और I2 दोनों इक्वल है वहां पे, नहीं है, I1 I2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 2 I1 माइनस ए या 2 I2 माइनस ए। क्यों? तो यहां से जरा देखना I1 और I2 कितने आ रहे हैं। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू आ रहे हैं, क्यों? और इसी टाइप से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई टू आ रहे हैं। जरा चेक करना बेटा, बताओ। समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। ये बताओ, मिनिमम डेविएशन पे R1 R2 ए बाई टू होंगे और I1 I2 इतने होंगे, a प्लस डेल्टा m बाई टू ये होंगे, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। जो है इसका मतलब म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन I1 अपॉन साइन R1 कर दो, या तुम चाहते तो साइन I2 अपॉन साइन R2 भी कर सकते थे, और वो आ जाएगा फाइनली साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आया बताओ बेटा। जो है क्लियर है, ठीक। बाकी चलो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, टू बी कंटिन्यू पे डाल देता हूँ। टीएम क्लियर है बेटा, जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? चल फिर बाकी करते हैं कल। ओके, बाय एंड थैंक यू।